दिल्ली के राहुल हत्याकांड में एक तरफ जहां जांच तेज हुई, वहीं दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया, हालांकि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। इस बीच डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पीड़ित परिवार के लिए 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब अपनी चुप्पी तोड़ें और जिस तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वो आज यहाँ पर मौन है, वो मौन तोड़े, मुआवजा की घोषणा करें, मुआवजा दें। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ काम की राजनीति करते हैं। एक 19 साल का लड़का इसलिए मार दिया गया कि हिंदू था, मुसलमान का मरता 1 करोड़, केजरीवाल सरकार क्या इस प्रभाव में 1 करोड़ रुपए दिया गया? हिंदू मुसलमान से मत जोड़िए प्लीज। अच्छा, जो है किससे जोड़े? हमें इंसाफ चाहिए, जो कि जो लड़कियों को फैमिली चाहिए, हिंदू मुसलमान से बिल्कुल परिवार का बच्चा। दिल्ली में राहुल की पिटाई और फिर उसकी मौत के बाद सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब की चुप्पी रहस्यमय है। भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है कि फास्ट ट्रैक पर कोर्ट में इसकी सुनवाई हो मुकदमे की और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब अपनी चुप्पी तोड़ें और जिस तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वो आज यहाँ पर मौन है, वो मौन तोड़े, मुआवजा की घोषणा करें, मुआवजा दें। सिर्फ घोषणा नहीं, मुआवजा देना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ काम की राजनीति करते हैं, काम के ऊपर राजनीति करते हैं और किसी बात पे राजनीति नहीं करते। कोई भी पीड़ित है, उस पीड़ित को न्याय दिलाना हमारा सर्वप्रथम काम है और उसके लिए हमारे, मेरे लिए भी, सभी पार्टी के जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से पूरी तरह से निर्देश है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति है तो उसके साथ हमें खड़ा रहना है, जो हमारी पार्टी की विचारधारा है। बीजेपी ने मुआवजे की मांग की तो दिल्ली सरकार एक्शन में आ गई। पीड़ित परिवार के लिए 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया है। 18 साल का राहुल आईएएस बनना चाहता था, लेकिन उसकी हत्या केवल इसलिए कर दी गई क्योंकि उसकी एक मुस्लिम लड़की से दोस्ती थी। लड़की के भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इतनी बेरहमी से उसे पीटा कि चंद घंटे में उसने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। राहुल हत्याकांड में पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा है। 2 आरोपी मनवर हुसैन मोहम्मद राज बालिग हैं और 3 आरोपी नाबालिग हैं। राहुल के घर वालों का दावा है कि 5 नहीं 8 से 10 आरोपी हैं।